दोस्तों, अगर आप YouTube पर चैनल बनाने का सोच रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिसके मदद से आप अपने YouTube चैनल में अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। दोस्तों, आप कभी भी अपने YouTube चैनल में काम करते टाइम आप डीमोटिवेट नहीं होंगे। दोस्तों, अक्सर यहाँ पे जो कि नए नए क्रिएटर क्या करते हैं कि जल्दबाजी में अपना चैनल क्रिएट कर देते हैं सीखने से पहले। और दोस्तों, वो क्या होता है कि जब आपके उसके चैनल पर जो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ने लगता है, व्यूज़ नहीं आने लगता है, तो डीमोटिवेट होकर अपने चैनल को छोड़ देता है। तो मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिसके मदद से आप अपने चैनल में अच्छी तरह से काम भी कर पाएंगे और अपने चैनल को ग्रो भी कर सकेंगे और अपने चैनल से अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ टिप्स नंबर 1 की। तो दोस्तों, टिप नंबर 1 में आपको क्या करना है कि जैसे कि दोस्तों आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, आप यहाँ पे एक नया चैनल स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो दोस्तों आपको चैनल बनाने से पहले सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप जो चैनल स्टार्ट करने का जा रहे हैं तो क्या आप कौन सी कैटेगरी का चैनल बनाना चाह रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना है जो कि आप क्या चीज़ बता सकते हैं अपने व्यूअर को, क्या बता सकते हैं अपने जो सब्सक्राइबर, आपका जो भी सब्सक्राइबर होगा। आप ये मत सोचना कि आपका चैनल में अभी सब्सक्राइबर नहीं है। दोस्तों, हो सकता है जो कि 1 महीना 2 महीना में आपके चैनल पर अगर 50,000 सब्सक्राइबर आ जाता है तो दोस्तों आप उस सब्सक्राइबर को क्या बताएंगे, उन व्यूअर को क्या बताएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने चैनल का नीचे आपको यहाँ पे जो कि सिलेक्ट करना है अपना चैनल का कैटेगरी। और दोस्तों, आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है बहुत ही यहाँ पे सावधानी पूर्वक, क्योंकि दोस्तों अगर आप जल्दबाजी में अगर गलत कैटेगरी अगर चूज कर लेते हैं तो दोस्तों आप लॉन्ग टाइम तक काम नहीं कर पाएंगे और यही कारण होता है डीमोटिवेट होने का। दोस्तों, जैसे कि अगर आपका पसंद जो भी है, जिस चीज में आपका पसंद है, आप उसी कैटेगरी पर अपना चैनल रखें। दोस्तों, अगर आपका ब्लॉगिंग का पसंद नहीं है लेकिन दोस्तों अगर आप दूसरे को देखकर अगर ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर लेते हैं तो आप उस चैनल पर काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने चैनल का कैटेगरी वही सिलेक्ट करना है जिस पर आप इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में आपको करने में मज़ा आता हो, जो कि आप अगर डेली अगर दिन भर अगर करते रहो उस कैटेगरी पर अगर काम करते रहो तो आपको कोई भी बोरिंग सा नहीं लगे। तो आपको इस टाइप से अपना चैनल का कैटेगरी चूज करना है और आप अपने चैनल पर इस प्रकार से सबसे पहला टिप्स को यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, टिप्स नंबर 2 में आपको यहाँ पे क्या करना है कि टिप्स नंबर 2 में आपको अपना चैनल का नेम सबसे यूनिक रखना है। सबसे यूनिक यानी कि दोस्तों अक्सर यहाँ पे नए नए यूट्यूबर, जैसा कि नए नए क्रिएटर चैनल स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला गलती क्या करता है कि सबसे पहले वो देखता है कि जब जैसे कि टेक्निकल गुरु जी के चैनल पर यहाँ पे इतने सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 10 मिलियन हो चुके हैं, जो कि यहाँ पे देखता है मनोज भाई के चैनल में इतने सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो वो क्या करता है कि अपना चैनल का भी नेम सही वही नेम वहाँ पे जो कि रख देता है। दोस्तों, जैसे कि टेक्निकल गुरुजी अपना चैनल का भी नाम वहाँ पे टेक्निकल गुरुजी रख दिया। और दोस्तों, ऐसे में आपका क्या प्रॉब्लम होगा? और दोस्तों, सबसे पहले आप किसी भी ऑलरेडी जो यूट्यूब पर चैनल है तो उस चैनल का नेम आपको कॉपी नहीं करना, अपने चैनल में उस नेम को नहीं रखना। इससे दोस्तों आपके चैनल पर कभी भी जो कि वीडियो पर व्यूज़ जो कि आना छोड़ दो, आपका चैनल भी सर्च में नहीं आएगा। कारण दोस्तों, जैसे कि आप टेक्निकल गुरुजी का अगर उसका चैनल नेम कॉपी कर लें, सबसे पहले टेक्निकल गुरुजी ऑलरेडी पॉपुलर है तो उसके चैनल ऊपर में नहीं आने छोड़ के आपका चैनल क्या आएगा? नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, जब आपके जो कि चैनल पर कुछ सब्सक्राइबर हो जाएगा तो उसके बाद आपके सब्सक्राइबर अगर आपके चैनल को सर्च करेगा तो आपका चैनल ऊपर में जो कि वहाँ पर शो ही नहीं होगा। दोस्तों, ऐसे में आपका सब्सक्राइबर वहाँ पर बोरिंग हो जाएगा। दोस्तों, आपको कभी भी किसी भी जो कि यूट्यूबर का जो कि उसके चैनल नेम कॉपी नहीं करना है। और दोस्तों, आपको अपना चैनल का नेम रखते वक्त आपको 10 बार सोच लेना कि मैं अपना चैनल का नाम कौन सा रखूं, सबसे यूनिक आपको नेम रखना है। दोस्तों, ये यहाँ पे दूसरा टिप्स है, बहुत ही आपको काम देगा पीछे। दोस्तों, मैंने अभी अपना चैनल का नाम चेंज किया हूँ इसी रीज़न से, क्योंकि मैंने पहले जो कि इसको पूरी तरह से यहाँ पे इग्नोर कर दिया था, उतना मैं इसमें गौर नहीं किया था। और दोस्तों, टिप नंबर 3 में आपको यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले आप अगर YouTube चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप एक YouTube चैनल क्रिएट कर लिए, लेकिन दोस्तों चैनल बनाने के बाद आपको अपने चैनल पर एक शेड्यूल बना लेना है। शेड्यूल का मतलब जैसे कि आप अपने चैनल पर वीडियो कब कब अपलोड करने वाले हो। आप यहाँ पर कोई यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप डेली वीडियो अपलोड करो अपने चैनल पर, लेकिन दोस्तों आपको अपना चैनल पर एक कंसिस्टेंसी आपको बना लेना है, जिससे दोस्तों इससे क्या होता है कि आपका चैनल ग्रो होता है। दोस्तों अगर आप अपने चैनल पर जैसे कि आज एक वीडियो अपलोड कर दिए, फिर 10 दिन गायब, फिर कल एक वीडियो किए, फिर उसके बाद 20 दिन गायब, तो फिर उसके बाद लगातार फिर 3 वीडियो डाल दिया, फिर इसी प्रकार से अगर गायब होकर अगर वीडियो बनाएंगे तो दोस्तों आपका चैनल कभी भी ग्रो नहीं होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने चैनल पर एक शेड्यूल बना लेना है, जो कि आप एक सप्ताह में भी बना सकते हैं। जैसे कि इस सप्ताह एक वीडियो अपलोड किया तो अगला सप्ताह एक वीडियो अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी ज़रूरी नहीं कि आप डेली वीडियो अपलोड करो, लेकिन दोस्तों अगर आप डेली वीडियो अपलोड कर सकते हो तो आप करना, लेकिन दोस्तों आप जितने भी आपको एक टाइम दे देना, जो कि सेम उसी टाइम को आपको वहाँ पे एक वीडियो अपलोड करना ही है। दोस्तों, ऐसे में YouTube जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपका चैनल का रीच यहाँ पे जो कि पहले से ज़्यादा इन्फेक्शन आपके चैनल का यहाँ पे बढ़ाने लगता है। दोस्तों, मैंने अपने चैनल में जो कि इसको टेस्ट करके रखा हूँ,
जो कि देखते मैंने कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया था, इसका रीजन मेरा चैनल जो कि धीरे धीरे नीचे चल गया है। सबसे पहले आपको अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करने का एक डेट फिक्स कर लेना है, जो कि कौन से दिन आपको जो कि अपलोड करना है या फिर डेली अपलोड करना है, कौन टाइम पर अपलोड करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जरूरी है नए चैनल के साथ। और दोस्तों टिप नंबर 4 में आपको यहाँ पर क्या करना है कि आप एक YouTube चैनल स्टार्ट करते हैं, उसके बाद दोस्तों अक्सर यहाँ पे देखा गया है जितने भी नए नए क्रिएटर होता है तो वो अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करने के छोड़ के वो अपने चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने पर लग जाता है। दोस्तों वो जल्द से जल्द चाहता है कि मेरे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, मैं अपने चैनल से अर्निंग करना स्टार्ट कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको ये इग्नोर करना है, आपको कभी भी सब्सक्राइबर एंड वॉच टाइम के पीछे नहीं भागना है। दोस्तों एक बात बताता हूँ, जो कि आपको कभी भी जैसे कि अभी YouTube पर सब्सक्राइबर बढ़ने का, वॉच टाइम बढ़ाने का बहुत से एप्लीकेशन आ चुका है और बहुत से साइट भी आ चुका है। दोस्तों सबसे पहले आप इन एप्लीकेशन को, इन साइट को इग्नोर करना। आपको कभी भी किसी एप्लीकेशन से आपको सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाना है, नहीं दोस्तों आपका पीछे जाके प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम क्या हो सकता है, जब अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए आप रिव्यू के लिए सेंड करेंगे तो आपका चैनल वहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है, या फिर आपका चैनल पर जो कि वो जो सब्सक्राइबर आप बढ़ाया वो सब्सक्राइबर कुछ दिन बाद डिक्रीज हो सकता है। दोस्तों ऐसे में आपका चैनल मोनेटाइज कभी भी नहीं होगा। दोस्तों सबसे पहले आपको किसी भी एप्लीकेशन से सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाना है। और दोस्तों आप ज़्यादा प्रमोशन के चक्कर में नहीं रहें, दोस्तों प्रमोशन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जिनके जो भी प्रमोशन करेंगे आपके चैनल का तो सब्सक्राइबर उनका रहेगा आपके भी चैनल पर, तो आप उसके तरह वीडियो नहीं बना सकते हो। दोस्तों कोई भी फायदा आपका नहीं होगा। तो आप किसी भी जो कि एप्लीकेशन से अपना सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाना। दोस्तों जिस दिन आपका एक वीडियो वायरल हो जाएगा तो उस वीडियो पर 80 से 90 हज़ार व्यूज आते आते आपके चैनल पर सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होगा, वॉच टाइम भी कंप्लीट होगा। दोस्तों इसी प्रकार से नए चैनल के साथ होता है, जो कि उनका एक वीडियो कोई ना कोई वीडियो वायरल होता है और उन्हीं वीडियो से उसका सब्सक्राइबर और वॉच टाइम कंप्लीट होता है और उस वीडियो से उसका अर्निंग भी होता है। तो आपको कभी भी प्रमोशन के चक्कर में नहीं रहना है, इससे दोस्तों अपने चैनल से कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे। और दोस्तों टिप्स नंबर फाइव में आपको क्या करना है कि कभी भी आपको अपने YouTube चैनल को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं रहना है, जो कि मैं इसी चैनल से मेरा जो कि पूरी घर चलेगा, मेरा इसी चैनल से सब कुछ होने वाला है। दोस्तों आपको शुरू में कभी भी अपने चैनल को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं रहना, आप जो भी काम कर रहे हो रेगुलर वो काम आपको करते ही रहना, आप पार्ट टाइम आपको जो कि यूट्यूब आप कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों शुरू में जब आपके चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं होता है तो अपने चैनल पर आप ज़्यादा डिपेंड मत रहना। और दोस्तों शुरू में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना। इन्वेस्ट मतलब है जैसे कि आप, ये जरूरी नहीं कि शुरू में आप जो अच्छा माइक परचेस कर लिए, 8000 का माइक ले लिए, जो कि शुरू में आप DSLR ले लिए, शुरू में एक ट्राइपॉड ले लिए 2500-3000 का, तो आपको ये कभी भी आपको शुरू में अपने चैनल के शुरू में आपको ये काम नहीं करना। दोस्तों आप वीडियो शूट करने का है तो आपके पास 8 से 10 हज़ार का एक स्मार्टफोन जरूर होगा, तो उसी स्मार्टफोन के कैमरे से वीडियो बना सकते हो। और दोस्तों आउटडोर शूट कर सकते हैं कहीं भी, जो कि आप अपने जो कि किसी छाए पर बैठकर अपने वीडियो को बना सकते हो। और दोस्तों शुरू में आप एक ट्राइपॉड ले सकते हैं जिसके मदद से वीडियो शूट कर पाएंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको शुरू में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, इससे दोस्तों आप अपने चैनल पर बाद में सोचने लगो कि मैं इतना खर्च कर दिया लेकिन दोस्तों मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, व्यूज नहीं बढ़ रहा। तो आपको कभी भी शुरू में ज़्यादा स्टार्टिंग में खर्च नहीं करना, लेकिन दोस्तों जब आपके यूट्यूब चैनल से अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगा, पैसा आने लगेगा, तब दोस्तों आप YouTube से जो कि एक अच्छा माइक ले सकते हैं, अच्छा DSLR ले सकते हैं, अच्छा लाइटिंग सेटअप ले सकते हैं। लेकिन शुरू में आपको अपने फादर से पैसा मांगकर कभी भी ये काम नहीं करना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अगर इसी प्रकार से YouTube से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना।